DHM Music presents. DHM Music. पूरा हो जा रहा है इसी राग में सर, ये समय कितना कीमती, समय खोना, पैसा खोना और अपने युवा पीढ़ी को अपने बच्चों को गंदे संस्कार देना, ये क्या क्या तमाशा। अरे कभी था तो सुने, अब जिस तरह नहीं होगा। हाँ अब क्या ये धर्म है, क्या मैं मन किस धर्म में जन्म लिया है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मन के करना चाहिए और मन के नहीं करना चाहिए। रे सूरज के साया नहीं शीतल काई, अरे गंगा के तुल अनीर नहीं ना, लखनी चंदसी कविताई। गंगा के तुले जैसे सूरज का तेज और नहीं है, जैसे चंदासी शीतलता और नहीं है, जैसे गंगा का जल और नहीं है, ऐसे लखमी चंद की कविता और नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, अनेकों कवियों ने जगह जगह दादा मांगेराम ने दिखाया, अरे लोग कहे वो लखमी चंद पर वो लखमी चंद भी ना था। हाँ कितने कवियों ने कहा भाई परम बासे हैं सुखबीर, हमारे बहुत बढ़िया कवि है, उन्होंने भजन बनाया था सती मात शुद्ध भूमि चाहिए संत पुरुष के जामण में, जैसे जाति का शिव बना दे श्री लक्ष्मी चंद्र बना। सजनों दादा जगन्नाथ ने कहा अपने जीवन का रोल कति कृष्ण की ढाला कर गया, मानव जाति ने जिंदा हो जाति आला कर गया। बहुत से कवियों की हमने वैष्णव राखी कविताई, करते हैं सम्मान किसे की करते नहीं बुराई, किसे तरह भी कर पाए ना सबके मन की चाई, या खूबी न सब करिया एक लखनी चल न पाई, किसा मर्ज उसी दे दवाई काम निराला कर गया, मानव जाति ने जिंदा हो जाती आला कर गया। जिन्हें पहले राग समोले गाए छंद दो और मल्हार, भक्ति रस्म गा दिया सारे वेदों का हिसार, जो पड़े भूत में सोम थे वे जगा दिए नर नार, दूर करे अंधकार कति वो ज्ञान उजाला कर गया, मानव जाति ने जिंदा हो जाती आला कर गया। पास परीक्षा करे बिना संबंध करे तावे, फूल टूट का मुरझा जा फिर सुबंध करे तावे, आजकल की बात में वो छंद करे तावे, सारे कलिया देखो लखमी चंद करे तावे, ओ आनंद करे तावे, अपना बंद ताला कर गया, मानव जाति ने जिंदा हो जाती आला कर गया। अनमोल रतन धंधी राख्या मुसन खोन लाग रे, ज्ञान बनायो पाप का बोझा सर पर ढोन लाग रे, वो रुक के देते जगा गया हम फिर भी सोन लाग रे, जो वचन बोध पर हम कह गया था वे साचे हो लाग रे, कहीं जगन्नाथ ही रोन लाग रे, रो ब्राह्मण चारा कर गया, मानव जाति ने जिंदा हो जाए किया लाग रे। ऐसे सुनो आज बुजुर्ग कहते हैं कि दादा ने जब जो बोल करे 100 साल आगे के बता दिए, एक एक करके सारे साचे हो गए। अरना तो देखिए जैसे कबीर साहब अनपढ़ थे, कबीर साहब बोल दिया करते बोले इतनी बाणी बोलिए जितना बाड़ू रेत इस संसारी जीव को एक नाही, उसी श्रृंखला में मेरा मानना है दादा लखमी चंद जी हुए, अनपढ़ था वो भी बोल लिया करता, लिखना पढ़ना नहीं जाने था, लखमी चंद नहीं पढ़ रहा था गुरु की दादा दिल पढ़ रहा थे। सजनों पर पीछा अखबार में एक लेख आया था नासा में, सारी दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, नासा के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट ली कि धरती का पृथ्वी का स्वरूप तैयार होने में 4 अरब 33 करोड़ वर्ष का समय लगा, जिसके नीचे पानी रह सके, जिस पर फसल उग सके, पेड़ पौधे उग सके, हवा तैर सके, जीवन संभव हो सके, 4 अरब 33 करोड़ वर्ष में जाके पृथ्वी का स्वरूप तैयार हुआ। महाशय जी उस अखबार में उस रिपोर्ट को पढ़ा और दाता का वो भजन देखा,
पसीना माथे बारा आज वैज्ञानिक हैरान पड़वाना से जब बताओ था मैं बता दी पृथ्वी क्यों कर बनी एक निपट मेरे कमरे में एक 20 दबा के रखा 4,33 करोड़ वर्ष मजा का पाक्या जब तक अवधि हुई ना पूरी ना तोड़या ना चाख्या जुलसा कानून बना दिया न जाता नहीं हुआ क्या वो जब बताओ था पृथ्वी का दिन में तैयार हुई है क्योंकि तैयार हुई है सालो आज सारी दुनिया इंटरनेट मोबाइल का इस्तेमाल करती अर्थाता ने जब बिगा दिया था इंटरनेट मोबाइल ज्ञान के कारण पृथ्वी जल वायु तेज आकाश खड़े ज्ञान बिना 100 कोस दूर और ज्ञान के कारण पास खड़े यही तो ज्ञान विज्ञान है वीडियो कॉल और साल की बिचवा में अभी अमेरिका बतलाओ एचआईवी यह बीमारी काल चली है एचआईवी एड्स अर्थात एचआईवी एड्स भी गा रखा है 28 नरक व्यास ने वर्णे शर्त शर्त मिला के लक्ष्मी चंद सतगुरु की आज्ञा ले चल गात बचा के ना थे ना तो गैर पुरुष और गैर स्त्री देखो इश्क कमा के वह है तस्वीर में लग गया कपड़े नरक में क्या है ये ही तो एच आई पॉजिटिव है ईम साले हो जब भी गाओ था आज नीम खोज रहे यार आप राजनों का पीछे खराब मत करिए केक रूम वास्तु के हिसाब से बनाइए वास्तु के उस वास्तु शास्त्र ने बुला लो वास्तु की किताब ले आओ वास्तु शास्त्र कहता है जिस प्लाट की चारों भुजा समान हो वो शुभ होगा नीम मड़ी गहरी खोदे वो शुभ होगी छात मड़ी ऊंची दबावे वो शुभ होगा अरे आज वास्तु शास्त्र कहती है दादा जब भी कहता पदमाव तो मैं किसन महल बनाया था बोला ढंग दुनिया तो न्यारा पड़ते जाली सक शांति के साखीदार चुबारा पहली कली वास्तु की जगह चकुटी नीम चोय में ऊंची छात दवाई तरह तरह के कूट मसाले संगी करी ले पाई लाल और पीले हरे गुलाबी रंग दे रे थेर सुनाई सारे देश की माया लूट के इस कमरे गलाई छज्जे शीशे आले ऊपर मोर फराटे ठारिया पड़ते जाली चक संगी की झांकीदार सुवारा सजनो एक भी अगर आज सनातन को समझना हो तो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद का एक कैंटर भर का सबको पढ़ाजा गुणाजा तो ये सनातन धर्म समझ में आता जो आज इस भागादौड़ के जीवन में लगभग असंभव है वो ना हो एक दादा लक्ष्मी ने समझ ले न्यू सोच रहे सनातन धर्म समझ में आ गया लोगों क्या लिखा नंबर का उसकी नेगेटिविटी उसकी नकारात्मकता को वो अपने लेक्चर से अपनी दवाइयों से साफ करता है ऐसे जनों सकारात्मकता अगर इस सारे जहान में इस दुनिया में अगर देखनी हो तो हमारे से बड़ा उदाहरण नहीं है सबसे बड़ा उदाहरण है सावित्री का जिसने
सत्यवान मुझे पसंद किया। और नारद जी ने सावित्री के बाप को बताया कि राजन इसने जो पति चुना उसकी तो उम्र 1 साल की है, इस पर अपनी बेटी को गए कोई और पति चुन लेगी। और जब सावित्री को कहा उसने कहा पिताजी मेरा हृदय से जिसको पति मान्या आप मेरे को कहते हो उसने भूल कर दूसरे में जी ला जाऊं। सजनों वे होया करती सती जो एक सांस भी अपने पति के बगैर वो सती लेना नहीं चाह करती। इनसे सारा काम मर्जी हो एक भी गए ज्यादा गारंटी है। जालिए समय अब हवा बदल ली टाइम जालिए वे होया करती सती। और जब ये सुना कि ये तो 1 साल में मर लेगा बेटी पति और चुना नहीं बोली पिताजी उनका एक में मर लेगा मैं देख लूंगी इसमें जो इसके प्राण लेना होगा मैं उसको भी टकरा लेगी क्यों मर जाएगा मनीष को पति छुने। और जहां तक मेरी सोच जाती है मैंने मेरा कोई ऐसा कर्म नहीं कि मैंने इस तरह का जीवन बिताया पड़े कि मैंने अपने पति के बगैर रहना पड़े मैं विधवा हो जाऊं मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं। ये होती है सकारात्मकता पॉजिटिविटी। उसने उसी सत्यवान से शादी करके खुद परमात्मा का भी छाती छाती लड़ा कर टक्कर ली और अपने पति को जवा कर वो कैसे दुर्भाग्य लगाओ या इस संस्कृति का दादा लक्ष्मी चंद के प्रति प्रेम लगाओ। और भी तो कवि हो जाए किसी का भगन्ना चलता हो वो दादाजी मोहर ला दे चुपके चुपके और दादा लक्ष्मी के नाम तो काट दे लक्ष्मी के नाम तो नहीं लोग फिर जाएगा वो भगन चल जाएगा फिर वो सारे चाल के फिर उन्हें कदे खड़ा हो गई तो मेरा था बहुत अच्छी बात कि उस कवि ने इतने बढ़िया बोल लाए। फिर साल गया दादा के नाम तो अरे तीन जुलूम हो जाए न्यू मेरा लाग जा रहा है दादा हक होने उसका से लोग उसने सुनना भी छोड़ दिए जुलूम इसने से दुर्भाग्य लगाओ सर इसने आइए साई मार का ईसा लाले देखे जिस पत्थर पर राम का नाम लिख दिया पत्थर तिरंगा के पानी में वाय दकानी हो रही है जिस वजन पर सदा का नाम आ गया है न्यू मालूम वो इतर गया है
प्रीत खुद शीश हरि चरणा धरिए उस पत्थर पर लिखा नाम राम का पत्थर भी जल में करिए मन इंद्री another update.